जरूर से कह रहे आपने अपना ऑन कर ले। ओके माता जी ने भी अपना कैमरा ऑन कर लिया। देवेंद्र जी ने भी बिल्कुल बहुत बढ़िया आप सभी का। तो आप सभी का आज की ट्रेनिंग में आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है कि नेटवर्कर कैसे बनते हैं। उसके ऊपर मैं आज 8 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बातों को मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। तो रेडी आप सभी लोग? जी सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो ओके थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके सपोर्ट बना रखिएगा। और मैं अब चल रहा हूँ कि आज नेटवर्कर यानी कि हम नेटवर्कर कैसे बनते हैं, नेटवर्कर बनने के लिए कौन से 8 पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं आए हैं एक नेटवर्कर बनने, ठीक है। हमारा बिजनेस है जिसमें हमारा प्रोफेशन है उसमें हम नेटवर्कर भी कहलाते हैं कहीं ना कहीं। तो हम आज नेटवर्कर बन रहे हैं इस गैलवे बिजनेस में। इस गैलवे बिजनेस में नेटवर्कर हम कैसे बने और सर्वश्रेष्ठ सर्व यानी कह लीजिए ऑलमोस्ट सबसे अच्छे सबसे बेहतर नेटवर्कर हम कैसे बने, आज उस 8 पॉइंट पर मैं आप सभी को बात करने जा रहा हूँ। तो फिर उसमें से फिर मैं पहले पॉइंट्स पर अब बात करूंगा, जो कि पहला पॉइंट है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस शब्द को सुना होगा, इस शब्द से आप लोग वाकिफ होंगे कि एटीट्यूड क्या। कहीं ना कहीं एटीट्यूड शब्द सुन के आप लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या एटीट्यूड, यानी कि क्योंकि एटीट्यूड का जो ज्यादातर लोग जानते हैं उसका मतलब घमंड जानते हैं, कहते नहीं बड़ा एटीट्यूड में रहता है कि नहीं। तो यहाँ मेरा एटीट्यूड मतलब नजरिया से है कि इस बिजनेस में आपका नजरिया कैसा है, आप किस नजरिए से इस बिजनेस को टेलर बिजनेस को आप देख रहे हो कि आपका यहाँ पर नजरिया किस प्रकार सा। क्योंकि बाहर में जो एटीट्यूड का मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं घमंड हो रहा है, तो हम घमंड की यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि आप घमंड करोगे तो आप उस जगह पे प्रोग्रेस करोगे, घमंड होने से आपको इस काम में घमंड होने से आपको प्रोग्रेस मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। एटीट्यूड का मतलब यहाँ मेरा नजरिया से है, आपका इस बिजनेस में आपका इस गैलरे बिजनेस में आपका नजरिया कैसा है, आप किस तरह से इस बिजनेस को देख रहे हो, आपका देखने का जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि जो मैं आज 8 पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, वो सारे 8 पॉइंट को आपको चेक करना है कि क्या मैं उन 8 पॉइंट पर काम कर रहा हूँ, और या फिर अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या नहीं डाउन लाइन में लोग काम कर रहे हैं उस 8 पॉइंट पे। अगर मैं नहीं कर रहा तो जिन जिन पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और जिन पॉइंट पर आप नहीं काम कर रहे हैं तो उनपे अब आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो पहला मैंने पॉइंट आप लोगों के बीच में रखा है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी हमारा नजरिया कैसा है, हमारी नजर कैसी है इस बिजनेस को लेकर के, हम किस नजर से किस टाइप तक इस बिजनेस को देख रहे हैं, क्या हम इस बिजनेस को लेकर के क्या हम पूरी तरीके से दिल से दिमाग से सोच से समझ से हर तरह से क्या हमारा नजरिया इस बिजनेस को लेकर हमारा थॉट क्या पॉजिटिव है, ठीक है। क्या हम कहीं अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहे हैं किसी भी बात को लेकर या किसी भी स्थिति पे या किसी परेशानी पे, क्या हम हमारी सोच हमारा नजरिया क्या बदल जा रहा है। तो ये चीजें ये इस पॉइंट को चेक करने की जरूरत है, यानी कि एटीट्यूड आपका नजरिया कैसा है, यहाँ पर किस तरह से आप चीजों को देख रहे हैं, क्या आपका देखने का नजरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो आपको अपने नजरिए को देखना होगा, अपना नजरिया आपको चेक करना होगा, उसी नजरिए के अकॉर्डिंग ही आप अपने बातों को और अपने इस बिजनेस में आप कामयाबी के लिए आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप अगर इस बिजनेस को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ गलत समझ रहे हैं, तो आपको कामयाब होना थोड़ा सा समय भी लग जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत भी होगी, थोड़ी सी परेशानी भी होगी। क्योंकि जब हम आ हमारा नजरिया नहीं सही है, क्योंकि नजरिया से आप लोग जानते हैं कि बड़ा बड़ा लोगों को धोखा हो जाता है,
काफी सारे एग्जांपल हैं, उसमें से एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूंगा कि अक्सर कर रोड पर हम लोग काफी सारे लोगों को चलते देखते हैं, पर वहां पर जब अगर एक गाड़ी पे आगे एक लड़का पीछे लड़की को बैठा के चलता है तो 95% लोगों का नजरिया क्या होता है, कहीं ना कहीं वो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे दोस्ती यारी वाला लोगों के दिमाग में आता है, कभी 5% लोग होते हैं कि नहीं नहीं हो सकता है दोनों भाई बने हुए, ये बहुत कम लोगों को आता है। तो हम लोग भी क्या है कहीं ना कहीं उन 95% लोगों में से आए हैं आज इस 5% की दुनिया में, तो अब हमें भी इस बिजनेस को लेकर के, क्योंकि आमतौर से आपने देखा होगा कि लोगों का नजरिया इस बिजनेस को लेकर के कैसा है, कहीं ना कहीं वही 95% वाली बात आ गई जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया, कहीं ना कहीं वैसा ही है। तो हम इस 5% के लोगों के बीच में आए हैं, हम 5% के लोगों में अपना नाम दर्ज कराते कहते हैं कि हाँ हमारा भी नाम है कि हम 5% में है, हमारा भी नाम एक अमीर आदमी में आने वाले समय में गिनती होने वाली है, तो वो ऐसे नहीं होगी। आपका सबसे पहला पड़ाव वो है नजरिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करता वो है आपका 5 ईयर गैलवे बिजनेस, ठीक है। यानी कि जैसा कि आप देखते होंगे कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो, या कोई भी सबसे बड़ी चीज है स्टडी यानी पढ़ाई, आज की डेट में कोई भी पढ़ाई होती है तो उसका कम से कम अगर कोर्स होता है तो कम से कम अगर मैं कहूंगा अगर कोई कोर्स होगा तो भी उसका समय 2 साल देना होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत से कोर्स है जिसको 3 साल भी 5 साल भी का कोर्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी स्टडी के लिए यानी पढ़ाई के लिए यानी सीखने के लिए हम पैसा दे करके, यानी कि आप देखते हैं पैसा देते हैं स्टडी के लिए, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, एडवोकेट की पढ़ाई हो, या और भी जितने प्रोफेशन है आज की डेट में उन सारी चीज की पढ़ाई लोग करता है, कहीं ना कहीं लाखों लाख रुपया साल का जाता है, ठीक है। तो उसके बाद भी क्या है आदमी पढ़ता है लिखता है, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं जाकर मिलता क्या है, वो है उसका एक डिग्री, ठीक है। उसको एक डिग्री मिलती है और उस डिग्री के बल पर वो आदमी उस जॉब को जहां तक है, अगर उसके अंदर वो डिग्री के साथ क्वालिटी भी आई हुई तो कहीं ना कहीं जॉब को हायर कर लेगा। उसी प्रकार से इस गैलरी बिजनेस में भी कहा जाता है कि आप आ गए हो तो कम से कम 5 साल अपने इस बिजनेस को गैलरी बिजनेस की दो, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए नया है, ये बिजनेस कहीं ना कहीं आप इसकी गहराई को, इसकी मजबूती को और इसके अंदर के जितने भी सिस्टम है, फीचर्स है, जितनी भी क्वालिटीज है, कहीं ना कहीं हर कोई नहीं जानता, क्योंकि आमतौर से हम लोग और जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर बनने की बात हो, एडवोकेट बनने की बात हो, जज बनने की बात हो, पुलिस लाइन में जाने की बात हो, या कह लो आर्मी लाइन में जाना हो, इस तरह से हमें टीचर बनना हो, तो इसके बारे में आमतौर से हर कोई जानता है, बट इस गैलरी बिजनेस को नहीं हर कोई जानता, नेटवर्क मार्केटिंग को हर कोई अच्छे से नहीं जानता, लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वही जो मैंने बात आपको कही वही चीजें हैं। तो पहला यही है कि हमें इस बिजनेस में आने के बाद कम से कम पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ इस गैलरी बिजनेस में 5 साल देना है, 5 साल लग करके हमें इस बिजनेस को करना है, तो 5 साल के बाद 110% आपके पास वो रिजल्ट होगा, पर वो 5 साल आपको ये नहीं कि आप आई डी बना ली तो बस हो गया काम, नहीं, आईडी बन गई, अब आपको उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से मिल चुकी है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो आपको लमसम 5 साल कम से कम 5 साल इस बिजनेस में समय देने की जरूरत है। जब आप 5 साल इस बिजनेस में समय देंगे तो कहीं ना कहीं जा करके फिर आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा। क्या मैं आप सभी से पूछता हूँ किसी भी जगह पे बाहर नॉलेज काफी सारे कोर्स है, क्या वहां पर 4 साल 5 साल का कोर्स करने बाद क्या गारंटी है कि वहां पर हमें उस लाइन का जॉब मिल ही जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, ये सर गारंटी तो नहीं है कि मिल जाएगा जॉब। बिल्कुल सुन सर, बिल्कुल, बट इस गैलरी बिजनेस में गारंटी है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में पार्ट टाइम 2 से 3 घंटा भी करो, 2-3 घंटा पूरी ईमानदारी पूरी जिम्मेदारी से, मेरा पूरी ईमानदारी पूरी जिम्मेदारी से कहने का मतलब है आप इस चीज को समझिए, यानी ईमानदारी आपको दिखानी होगी अपने प्रति, अपने गैलरी बिजनेस के प्रति, क्योंकि
हमारे अप्लाई करने के हमारे आपके साथ 24 घंटा नहीं रहते, जिससे कि पता चले कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आपको 5 साल लग करके अगर आप पार्ट टाइम से किए हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्ट टाइम से फुल टाइम में आ जाएंगे। अगर आपने स्टार्टिंग के ही कुछ सालों में यानी 1 से 1.5 साल भी अगर आप और डायरेक्ट अगर मैंने तो आपने 6 महीने निकल लिए, ठीक है, क्योंकि 6 महीनों में भी लोगों के अच्छे खासे रिजल्ट है 2-3 घंटे करते हुए, क्योंकि डिपेंड है कि आप 2 से 3 घंटा किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी और कितनी जिम्मेदारी आप इस बिजनेस के लिए आप दिखा रहे हैं। तो आप 2 से 3 घंटा दे करके 5 साल इस गैलरी बिजनेस में करते हैं तो 5 साल बाद मैं कहता हूँ कुछ नहीं। अगर आप कछुए की भी चाल से चल रहे हैं ना, 5 साल बाद आपको लखपति बनाने से कोई हो सकता है। हर महीने का चेक आपका 1-2 लाख, 1.5 लाख जरूर आएगा अगर आप कछुए की चाल से। और अगर आप फास्ट मूव करके गए, फास्ट तरीके से पूरा प्रमोशन अचीवमेंट करते चले गए तो आपका फ्यूचर चेक 5 साल में और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमारे लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग से ही यहाँ पर आपका, आपके टीम का और कह लीजिए आपका और आपके टीम के भविष्य का यहाँ पर उजागर कह लीजिए आपका यहाँ पर विकास होता है। क्योंकि ट्रेनिंग जो है हमारे चीजों को पहले से और बेहतर करके चलता है। अक्सर होता क्या है, जब हम किसी एक ट्रेनिंग को 2-3 बार ले लेते हैं तो जब चौथी बार ट्रेनिंग का लिंक आता है तो लगता है कि इसको तो मैंने ले लिया। पर मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग हमें तब तक लेनी है जब तक हम उस ट्रेनिंग को देने लायक न बन जाए, ठीक है। और अगर देने लायक बन गए हैं उसके बाद भी मैं कहूंगा कि आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग जो है ना एक ऐसी चीज है, क्योंकि आप भी ट्रेनिंग दे रहा हो उसी ट्रेनिंग का और भी दूसरा व्यक्ति भी दे रहा है, तो आप उसके देने की तरह से भी सीख सकते हो कि हम अपनी ट्रेनिंग को किस तरह से दे रहे थे और उसी ट्रेनिंग को उसने कैसे दिया। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक ही ट्रेनिंग को देने के काफी सारे लोग आते हैं, पर आपने देखा होगा हर किसी का देने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर किसी का ट्रेनिंग, हर किसी का जो भी ट्रेनिंग सेशन आता है, सबका देने का कहीं ना कहीं अलग अलग तरीका होता है। तो ट्रेनिंग आप सभी को तब तक लेते रहना है जब तक कि ट्रेनिंग देना खुद ना शुरू कर दे, जब तक कि आपके टीम में लोग ट्रेनिंग देना ना शुरू कर दे, तब तक आपको ट्रेनिंग लेते रहना है लगातार, बार बार लगातार, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, चौथा पॉइंट है लाइव ट्रेनिंग प्लस टीम। यानी कि लाइव ट्रेनिंग प्लस टीम का अक्सर जब भी हमें अगर मौका मिले, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर वर्चुअली ट्रेनिंग तो हम लोगों को हमेशा मिलता है जैसे कि अब चल रहा है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं लाइव ट्रेनिंग भी चलती है। तो जब भी आपको लाइव ट्रेनिंग का मौका मिले और टीम के साथ जाने का मौका मिले तो आप जरूर से लाइव ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा, ठीक है। मिस मत करिएगा कि लाइव ट्रेनिंग में क्या है कि डाउनलाइन जो हमारी होती है, ठीक है, डाउनलाइन है या हम ही है, हम जब वर्चुअली जो चीजें सीखते हैं और जब उसको फिजिकल, ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि अपने क्लीम सर है, सीम सर है और काफी सारे सर है, सर अजीत सर, कुछ सर, बोब सर, अभी आप लोग क्या है कि उनको वर्चुअली देखते हो, ठीक है, तो उतना अंदर से बातें, हौसला, जज्बा कहीं ना कहीं उस प्रकार से नहीं आता। बट आप जब भी आपको मौका मिले ऐसे सीनियर्स का ट्रेनिंग लेने का, फिजिकल बैठ करके उसके लिए हो सकता है 1,500 रुपए खर्च करके जाना पड़े, ठीक है, कुछ दूर जाना पड़े, हो सकता है आपके घर से 200-300-500 किलोमीटर दूरी पर होगा, ठीक है, तो आपको जाना पड़े, तो आपको वहां पे जाएंगे और उस ट्रेनिंग को जब सीख के आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं तब जाकर के पता चलेगा तो वर्चुअल ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग में कितना अंतर है। इस वर्चुअल ट्रेनिंग आपको लगातार आपको इस कंपनी में बनाए रखता है, आपको माहौल देता है जिस माहौल के अकॉर्डिंग आप इस बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप बाहर के दुनिया में काफी सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, क्योंकि हर कोई बाहर की दुनिया में तरह तरह की बातें करता है, तरह तरह की चीजें बताता है आपको, हमको है कि नहीं। तो जब इस तरह की ट्रेनिंग वर्चुअली चलती है तो उसमें भी लगातार बने रहें, उसको तो डेली को डेली आपको अटेंड करना। बट
जब भी आपको फिजिकल ट्रेनिंग का मौका मिले तो आप जरूर अपनी टीम के साथ जाकर के वहां पर उस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें, उस ट्रेनिंग को फील करें। और उस ट्रेनिंग को जब आप अटेंड करके आए तो अक्सर कर होता है कि फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद उसके अंदर जो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या नेटवर्कर ट्रेनिंग को अटेंड करके आता फिजिकल किसी सीनियर अपलाइन का, उसके बाद उसको क्या लगता है उसके अंदर वहां की जो बातें रहती ना, मात्र मैं जानता हूँ 24 से 48 घंटे ही रहती है। उसके बाद उस माहौल में जो माहौल वो वहां पाया था वो 24-48 घंटे तक काम करती है, उसके बाद वो अनस्टॉल होने लगती है, यानी कि डिलीट होने लगती है। वो डिलीट क्यों होने लगती है, क्योंकि हम ट्रेनिंग लेके आने के बाद आगे की चीजों में आगे की बातों में लग जाते हैं। मगर मैं ये कहूंगा कि आप जितने भी ट्रेनिंग फिजिकल में लिए हो और लेंगे आगे, ठीक है, उन सारी ट्रेनिंग का माहौल को वो वहां के वातावरण को वहां की जितनी चीजें जितनी बातें उसको अनस्टॉल नहीं पूरे लाइफ के लिए इंस्टॉल कर अपने डाटा में अपने माइंड में इंस्टॉल करके रख लो। और उसको अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ कुछ चीजें तो आप देखते ही हो कि अपने अपलाइन की तरफ से अपने कंपनी की तरफ से वो सारी चीजों का वीडियो भी कहीं ना कहीं आता रहता है। तो अपने अपलाइन के चैनल पे जा करके आप वो सारी वीडियो वो सारी चीजें वो सारी बातें वहां पर देख करके फिर से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपने आप को जगा सकते हो, अपने आप को उस माहौल में रख सकते हो। क्योंकि मैं ये सारी चीजें करता हूँ, मैं जितनी भी आज तक ट्रेनिंग अटेंड करते आ रहा हूँ, जितनी भी ट्रेनिंग मैंने फिजिकल अटेंड की है, मैं जब भी मन करता है मैं वो ट्रेनिंग को अटेंड करने लगता हूँ। उस ट्रेनिंग में क्या चीजें बताई गई थी, कौन सा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेनिंग के समय हमें कायदे से टॉपिक पर लेकर के ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहिए। जैसे कि आज की अभी पूरी ट्रेनिंग मुझे आदिश सर लिख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि लिखते हुए चल रहे थे। आदिश सर जी सर बिल्कुल ओके, साथ ही साथ पूरा मैम भी है, वेरी गुड वेल डन। बिल्कुल पूरी ट्रेनिंग में लगता है दो लोग हैं जो कि इस ट्रेनिंग को बखूबी लिखते हुए चल रहे हैं और नहीं बाकी लोग। अब इन लोगों के पास ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इन लोगों ने सीखने के बाद जब भी वो मौका पाएंगे, जब उनको मन करेगा, इस कॉपी को पन्ने को पलट के सब के पॉइंट्स को ध्यान करके रिवाइंड करके लर्न कर लेंगे तो उनको सारी चीजें। बिल्कुल देवेंद्र भी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रेनिंग था, वेरी गुड। तीन लोग हमारे इस ट्रेनिंग में जो कि कॉपी पेन जिसको कह लीजिए प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड कर, क्योंकि मैं भी जब भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ कॉपी पेन के से, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आप तीनों लोगों के पास ये मौका है कि आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में दोबारा से जब चाहे रिमाइंड कर सकते हैं, पॉइंट्स को देख करके अपने का चैनल है उस पर भी काफी सारे हर ट्रेनिंग की वीडियो पड़ी रहती है, स्पीच की वीडियो पड़ी रहती है, वहां पर भी जाकर के आप उन सारी वीडियो को देख करके इंस्टॉल कर दो। तो आपको इंस्टॉल करे रहना है, कभी अनइंस्टॉल इन सब बातों को नहीं करना है, क्योंकि ये जो बातें आपको ट्रेनिंग में बताई जाती है जो फिजिकल मेडिकल मीटिंग होती है वो आपको सिर्फ एक बार ही नहीं बताई जाती, वो आपके पूरे जीवन भर और आने वाली आपकी जितने भी टीम मेंबर है, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके डाउनलाइन है, उनके लिए है, ठीक है। तो चलिए पांचवा पॉइंट है लिस्ट प्लस मीटिंग। लिस्ट प्लस मीटिंग क्या है, पहले आप जानते हैं कि बिजनेस में आने के बाद हमें बनाना होता है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट हमको बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद हमें कम से कम लिस्ट हमारी कम से कम आप जानते हैं कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट। अगर और ज्यादा लिस्ट है आपकी 150-200-250-300-500 की तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिस्ट से पता चलता है कि लोगों में आपका कितना ज्यादा व्यवहार है, क्योंकि उन्हीं के पास कॉन्टेक्ट लंबे होते जिनका लोगों के बीच है व्यवहार बहुत ज्यादा होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत ज्यादा होता है। तो लोगों के कुछ लोग होते नहीं तो कुछ व्यक्ति होते जो कि आपने देखा होगा मिलनसार व्यक्ति है, आप उनसे बोले ना बोले वो बोलने में रुचि रखते हैं, ठीक है। तो अगर उस तरह के जो लोग जी आदि सर क्या कह रहे हैं मौजी लोग सर, बिल्कुल बिल्कुल मौजी भी कह सकते हैं उनको हम, बिल्कुल। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो क्या है उनके पास कॉन्टेक्ट बड़ी होती है। तो अगर कम से कम पर हमारे पास 100 की होनी चाहिए, 100 की लिस्ट बना करके फिर हमको क्या करना है मीटिंग की तैयारी। मीटिंग की तैयारी कैसे, लिस्ट की शॉर्टिंग करके
एक महीने में हमें सिस्टम यही कहता है कि एक महीने में कम से कम एक डायरेक्ट सेलर जो आता है एक महीने में कम से कम 15 से 20 बिजनेस कार्ड दे सकता है। अगर वो 2 से 3 घंटे भी कर रहा है ना तो वो 30 दिन के अंदर 15 से 20 लोगों को प्लान एकदम आराम से दे सकता है। नहीं तो अगर वो 15 से 20 नहीं दे पाए तो कम से कम 8 से 10 प्लान जरूर करे। नहीं तो पहला पॉइंट है कि 15 से 20 लोगों को प्लान वो जरूर से दे, 15 से 20 प्लान से कम ना करे। हर महीने आपके पास 15-20 प्लान आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आज 15-20 नहीं हो तो 8-10 प्लान जरूर करना। ठीक, तो पहला क्या है, लिस्ट बनाना। लिस्ट बना करके हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट करके फिर मीटिंग करना है। मीटिंग हम आप कैसे कर सकते हैं, या तो जो गेस्ट है उसके आप लाइन को ले जा करके, ठीक है, या तो गेस्ट को आप लाइन के घर पे ला करके, या तो गेस्ट और ऑफलाइन दोनों को ही अपने यहाँ लाकर प्लान कर सकते कि गेस्ट को भी कॉल कर दिया और अपलाइन को भी कॉल कर दिया। ठीक है, दोनों को कॉल करके अपने यहाँ बुला करके एक ही समय पे प्लान करा दिया, प्लान हो गया हमारा, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि हम हमारे आस पास में अगर आपके वहाँ पे गैलरी शॉप है तो आप वहां से थोड़ा प्लान होता है आप वहां जा सकते हैं। फ्रेंचाइजी है या तो फिर अगर आपके गेस्ट दूर का है तो आप उसको जूम ऐप पर वर्चुअली भी बिजनेस प्लान दे सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमें मीटिंग करनी होती है। अब आइए बात करते हैं छठवें पॉइंट पर। छठवां पॉइंट हमारा प्लान स्ट्रक्चर। प्लान स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यानी कि हमें गैलरी बिजनेस प्लान जानकारी करना बहुत जरूरी है। गैलरी बिजनेस प्लान की जानकारी है अगर आपको तो आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अपने इस बिजनेस में अच्छा से अच्छा बड़ा से बड़ा इंसेंटिव आप बना सकते हैं। क्योंकि जब आपको जानकारी नहीं, जैसे कहते हैं कि हमें घर से तो बाहर निकल रहे पर हम मालूम नहीं कि हमें जाना क्यों, तो क्या लगता है हम कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहेंगे और जब भटक लेंगे और थक जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर वापस करा देंगे। उसी तरह से अगर मुझे मालूम है कि मुझे जाना है दिल्ली जाना, अगर दिल्ली मुझे जाना है तो कहीं ना कहीं अब मुझे मकसद दिया है मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने की कौन कौन सी ट्रेनें हैं, कोई एक ट्रेन सेलेक्ट हो जाएगी, उसी एक ट्रेन सेलेक्ट होने का उसके टाइम के अकॉर्डिंग मैं वहां पर पहुंचूंगा, ट्रेन पर बैठूंगा, दिल्ली अपने समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो उसी तरह बिजनेस प्लान, जब आपको बिजनेस प्लान की जानकारी रहेगी तो आप उसी हिसाब से बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि बिजनेस प्लान की जानकारी रहेगी तो क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में हमारी कंपनी में काफी सारी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मुलाकात आप लोगों की होती ही रहती होगी और आपको काफी कुछ बताते होंगे, आप फिर कंक्लूज में जाते होंगे। जी, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कई दूसरे कंपनी के लोगों से मुलाकात हमारी होती है। ठीक है, तो अब आपको काफी कुछ बताते भी हैं, कहीं ना कहीं लुभावनी बातें करते हैं, लालच भरी बातें करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बातें करते हैं कि आपको इंटरेस्ट आने लगता है। तो वो क्यों आने लगता है कि हमें गैलरी बिजनेस की प्लान की जानकारी पूरी नहीं होती है। तो जब गैलरी बिजनेस प्लान की आपको जानकारी रहेगी तो आप जा करके वहां पर अगर आपसे कोई कुछ भी सवाल करता है, कुछ भी बताता है अपने कंपनी के बारे में, तो आप उसके ऊपर भारी पड़ने वाले, वो आप पर भी भारी पड़ेगा, आप उसके ऊपर भारी पड़ोगे और आप इस बिजनेस में, पहली चीज तो प्लस पॉइंट इधर होंगे, दूसरी पॉइंट कि आप अपने बिजनेस में, आप अपनी टीम में, अपनी डाउनलाइंस में आप अच्छा चेक बनवाओगे, अच्छा प्रमोशन दिलवाओगे, हर महीने आपके पास इंसेंटिव आती रहेगी। और ये भी सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको बिजनेस प्लान की सही जानकारी है तो आपका क्या होगा कि आप ये ध्यान रखोगे कहाँ पर कैसे किस तरह से कितना हम बिजनेस करें जिससे कि हमारा इतना हुआ और इतना अच्छा इंसेंटिव आए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो आपको प्लान का स्ट्रक्चर यानी गैलरी बिजनेस प्लान की स्टडी खुद भी करना है और सारी डाउनलाइन को भी करवाना है। ठीक है, खुद भी करना है और सारी डाउनलाइन को भी करवाते रहना, लगातार बिजनेस प्लान को जाते रहिए, प्रमोशन कैसे लेते हैं, पीडी कैसे बनते हैं, ईडी कैसे बनते हैं, एसडी आरडी, ठीक है, डीडी एलडीडी जीडीडी, ठीक है, आगे उसके आगे क्या है, सारी चीजें की जानकारी जब रखे रहेंगे तो जा करके कहीं ना कहीं आप हर मुकाम पर अपने आप को खड़ा पाएंगे और बना पाएंगे।
ठीक है, अब बात आती सातवां पॉइंट, सबसे बड़ी पॉइंट है वो है रिलेशन। अक्सर कम हम यहाँ पर ही गलती करते हैं जिस वजह से हमारा बिजनेस उतना बेहतर नहीं पाता, क्योंकि हमारा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी व्यापार, कोई भी, एक आप फल सब्जी का ठेला ही क्यों ना लगाए, कपाल की गोलती क्यों ना लगाए, आप एक शॉप जनरल स्टोर ही क्यों ना खोल ले, आप कुछ भी कोई भी व्यापार करिए छोटा से लेकर बहुत बड़ा तक, तो वहां पर काम करता है वो है आपका रिलेशन यानी व्यवहार। अगर आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार उत्तम नहीं है, तो आप अपने बिजनेस को उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ व्यवहार पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अपने गैलरी बिजनेस में जब लिस्ट की शॉर्ट की कर सकते हैं, तो आप यहाँ जानते कहीं ना कहीं बताया गया कि आप सबसे पहले हॉट मार्केट को बिजनेस के बारे में बताइए। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हॉट मार्केट से आप उस बिजनेस में बहुत तेजी से उठेंगे और तेजी से बनेंगे। दूसरी बात कि आपके विश्वसनीय लोग रहेंगे, तो बाहर में क्योंकि आप अगर अपने घर के लोगों को काम के बारे में ना बता करके बाहर के लोगों को बताने जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे आपको, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ बात है। ठीक है, तो आप अपने घर के अगर लोगों को सबसे पहले बताते हो और आपके साथ आपके भाई बहन मम्मी पापा चाचा चाची मामी मामा और उनके बच्चे हैं और भी रिलेटिव से लोग, ठीक है, आप उनको पहले बताते हो तो बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपने बताया वो लोग नहीं आए, ठीक है, तो अब आपके साथ जो भी आपके कोल्ड मार्केट फ्रेश मार्केट वार्म मार्केट के लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको उनके साथ अपना रिलेशन बनाना है, उनके साथ आपको अपना रिलेशन बनाना है, उनको आपको हॉट में कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल कौन मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आदेश सर को मैं जानता नहीं, ना मुझे जानते, मैंने आदेश सर को काम के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे साथ काम को शुरू किया, तो वो तो ना मुझे जानते थे ना मैंने इनको जाना, तो अब हमने क्या किया कि आदेश सर के साथ वो छोटा है उससे, तो मैं उसको अपना छोटा भाई जैसा मानना शुरू कर दूंगा, मेरा उसका व्यवहार कुछ छोटा भाई छोटे भाई बड़े भाई का होगा, क्योंकि अब मैंने उसको अपना हॉट मारते, क्योंकि जो मैं जो सोचा मैंने अपने छोटे भाई से था वो मैंने उसको वहां पर वो जगह दे दी है, क्योंकि जिससे मैंने जो उम्मीद तो नहीं आया, पर जो आया वो मेरे। अब मान लीजिए कोई आपके बीच में कोई लड़की आपकी बहन आती है, तो क्या है, अगर बड़ी है तो उसको बड़ी बहन बना लीजिए, छोटी है तो छोटी बहन मान लीजिए, ठीक है, और उससे वैसा ही एक हॉट मार्केट यानी 100% विश्वास वाला उससे रिलेशन वहां पर बनेंगे, यानी कि जो भी आपका गेस्ट आ रहा है फ्रेश है बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, वो भले ही हो सकता है कि आपसे आपका जात से ना हो आपके कास्ट से ना हो, ठीक है, डिफरेंट हो, बट आपका जिस रूप में आपके साथ आ रहा है आपको पर अपना हॉट मार्केट बनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि आपने अगर उसको हॉट मार्केट बनाना शुरू कर दिया वो फिर आपका नेटवर्क बहुत ही लाजवाब बहुत ही शानदार बहुत ही ग्रेटफुल आपका नेटवर्क बनेगा, जिसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई भी आज नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने अक्सर का सुना भी होगा ट्रेनिंग का मीटिंग में, जैसे कि आपने देखा चेतन सर है संजीव सर है सर जी सर, अक्सर अगर आप कुछ सर बातों सुना होगा कि कुछ सर अक्सर क्या कहते हैं सर जी सर मेरे बड़े भैया हैं, या कहते हैं मेरे बड़े भैया जैसे, ऐसा वो क्यों कहते हैं, ठीक है, या सर ये सर कहते हैं कुछ सर कुछ मेरे छोटे भाई जैसा, ऐसा वो क्यों कहते हैं, यही रीजन, ठीक है, क्योंकि आज उनका इतना अच्छा बॉन्डिंग उनका अच्छा इतना अच्छा रिलेशन आज उनको देखिए कहाँ पहुंचा दिया, तो आप भी आपके पास अभी एक कोई एक ही सीढ़ी हो या जितने भी आपके डाउनलाइन, ठीक है, आप कम से कम अपने फ्रंट को आप अपना इतना उनसे वो भूलिए मिलिए कि आपका वो हॉट मार्केट में बन जाए, जो हॉट मार्केट हम लाना चाहते नहीं यहाँ पर जो आया उसको तो हम हॉट बना ही सकते हैं ना, क्यों आप सर क्यों देवेंद्र सर, बिल्कुल सर बना सकते हैं जी सर, जी बिल्कुल थैंक यू, जो हॉट हम चाह रहे थे नहीं आया, बट जो आया है उसको हम तो हॉट बना ही सकते, ठीक है, अब आइए बात करते लास्ट पॉइंट ऊपर पॉइंट वो है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस का मतलब है कि हम अपने नेटवर्क को कैसे समझें और कैसे पता करें क्या मेरा नेटवर्क सही चल रहा है, क्या मेरा नेटवर्क सही ग्रोथ कर रहा है, क्या मेरा नेटवर्क जिस रूप से जिस ढंग से, ठीक है, जिस सिस्टम से उठना चाहिए जिस तरह से बनना चाहिए क्या उस तरह से बन रहा उस तरह से क्या काम कर रहा है, तो इस चीज को देखने के लिए आप आपके पास तीन पॉइंट हैं, तीन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला आप लिख लीजिए पीवी,
दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप एलसीसी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एम्प्लॉई की। तीसरा पॉइंट है प्रमोशन, ठीक है, पहला पीवी, दूसरा एलसीसी, तीसरा है प्रमोशन, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे कि अब हमारा नेटवर्क कैसे बढ़ गया है, ठीक है। पहला है उसमें से पीवी, पीवी चेक करना है कि क्या पिछले मंथ के मुकाबले, क्या इस मंथ, ठीक है, पिछले मंथ के मुकाबले क्या है इस मंथ आपका पीवी बढ़ा है, ठीक है। आप ये जो वो भी कैसे पता करें कि जैसे मान लीजिए पिछले महीने 15,000 पीवी आपका बिजनेस हुआ था, 15,000 पीवी का आपका मान लेते बिजनेस हुआ था, तो क्या इस महीने आपका अगर 1,500 पीवी बढ़ गया तो क्या सही है? अगर इतना बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लाजवाब बात है, पर अगर इतना भी नहीं बढ़ा, इससे भी कम बढ़ा है, तो पिछले महीने अगर 15,000 पीवी आपका बढ़ा है और इस महीने 15,000 एक पीवी भी है, यानी एक पीवी भी अगर आपका बढ़ा है तो भी आप ठीक चल रहे हो, तो भी आप सही रास्ते पर हो, आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है। दूसरा चीज है, दूसरा मान लेते हैं पॉइंट है दूसरा एलसीसी। पिछले महीने आपके टीम से कितने लोगों ने एलसीसी की थी, मान लेते हैं 15 लोगों ने पिछले महीने आपके टीम से एलसीसी की थी, तो क्या अब इस महीने कितने लोग एलसीसी में होने चाहिए? कम से कम आपके पास से एक एलसीसी और बढ़ जानी चाहिए आपके टीम से, यानी कि टोटल अक्टूबर मंथ में 16 लोगों ने एलसीसी की। अगर 16 लोगों ने एलसीसी कर ली है तो यानी कि आपका नेटवर्क बिल्कुल सही और सही तरीके से, सही सिस्टमैटिक ढंग से वो चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है प्रमोशन, तो प्रमोशन की बात आती है तो क्या सर ईडी का प्रमोशन, एसडीआरडी, एडीडी का प्रमोशन? बिल्कुल, अगर ऐसा प्रमोशन हो रहा है आपकी टीम में तो बहुत अच्छी बात, अगर ऐसा प्रमोशन नहीं है तो आपकी टीम अगर एक हर महीने पीडी का भी प्रमोशन होगा, क्योंकि पहला प्रमोशन यहाँ पर पीडी ही होता है, सीडी तो हम खुद से बनते हैं, ठीक है, पहला प्रमोशन हमारा पीडी होता है। तो आपका टीम में अगर हर महीने एक भी पीडी बन रहा, एक भी हर महीने, पिछले महीने भी एक बना था, इस महीने भी आपने एक बनाया, नेक्स्ट मंथ फिर आप एक बनाने वाले हो, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है कि अपने नेटवर्क को हम कैसे समझे कि हमारा नेटवर्क सही चल रहा है या नहीं, उसके लिए तीन पॉइंट है, पीवी चेक करना है, एलसीसी चेक करना है और प्रमोशन चेक करना है। चेक करना कि यह तीनों चीजें मेरी क्या सही रूप से चल रही है या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 8 पॉइंट, ये था मेरा आज का 8 पॉइंट की नेटवर्क और नेटवर्कर हम कैसे बनते हैं, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, नेटवर्कर बनते कैसे हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैंने आज 8 पॉइंट के ऊपर बात किया था, मैं रिमाइंड कर देता हूँ। पहला एटीट्यूड, दूसरा है 5 ईयर और गैलवे, तीसरा है ट्रेनिंग, चौथा है लाइव ट्रेनिंग प्लस टीम के साथ, पांचवा है लिस्ट प्लस मीटिंग, उसके बाद छठवा पॉइंट है प्लान स्ट्रक्चर यानी गैलवे बिजनेस प्लान स्टडी करना, सातवा पॉइंट है रिलेशन यानी कि व्यवहार, आठवां पॉइंट है नेटवर्क एनालिसिस, क्या उसमें है हमारा पीवी, एलसीसी और प्रमोशन, यानी कि अपने नेटवर्क को कैसे पहचाने कि सही है या नहीं सही चल रहा। तो बाकी अब तक की ट्रेनिंग के आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गैलवे।